नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह मैं मुकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज वैदिक गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है सूत्र निखिलम द्वारा दी गई संख्याओं का गुणा करना। कोई भी दो संख्या दे रखी है, उनको सूत्र निखिलम के द्वारा या निखिलम विधि द्वारा कैसे गुणा करते हैं। काफी आसान सा मेथड है ये, काफी आसान सा तरीका है। कैसे करते हैं इन दो संख्याओं का गुणा, बहुत ही आसान है। तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे सवाल लिख दिए हैं। पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। पहले सवाल में क्या कहा गया है कि 102 गुणा करो 105 को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्र निखिलम जहाँ भी प्रयोग होता है वैदिक गणित में, तो याद रखिएगा वो सवाल आधार या उपाधार से होगा। अब आधार या उपाधार क्या होता है, देखो, आधार और उप आधार, ठीक है। कोई संख्या यदि 10 से 10 के आसपास हो, 100 के आसपास हो, 1000 के आसपास हो, तो उन संख्याओं को निकलता है आधार। जैसे मैंने लिख दिया मान लो 8, तो 8 का क्या निकलेगा, आधार कितना है, 10। 12, 12 का आधार कितना है, वो 10 है। विचलन कितना हो जाएगा, प्लस का 2, ठीक है। 8 है तो 8 का आधार 10 है, विचलन कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 8 10 से 2 कम है। भाई ज्यादा है तो प्लस का विचलन और कम है तो माइनस का विचलन। जैसे 98, तो 98 का आधार क्या हो जाएगा, 100, और 98 जो है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो विचलन हो जाएगा -2। 102 या 103 या 105, मान लो 105 का आधार निकालना हो तो 105 किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो आधार कितना हो गया, 100। विचलन कितना हो गया, अब 5 ज्यादा है ना, तो लिखेंगे +05। +05 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, तो विचलन भी कितने अंक का आएगा, 2 अंक का, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 998, तो 998 किसके नजदीक है, 1000 के, तो 998 का आधार कितना हो जाएगा, 1000, और विचलन कितना हो जाएगा, -002। ये लिखेंगे क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो विचलन भी 3 अंक का लिखेंगे। जैसे मान लो 1005 होता, तो 1005 का आधार कितना, 1000, और विचलन +005, क्योंकि 5 ज्यादा है ना इसलिए। अब उपाधार की बात करें तो उपाधार उनका निकलता है जो न तो 10 के आसपास हो, न 100 के आसपास हो, न ही 1000 के। जैसे मैंने कहा 32, ठीक है, 22। अब 22 10 और 100 के बीच में, लेकिन 10 और 100 के एकदम क्लोज नहीं है, आसपास नहीं है। जैसे 22 की बात करें तो 22 का उपाधार कितना निकलता है, 20, और उपाधार अंक होगा 2, ठीक है। 52, 52 का उपाधार कितना होगा, 50, और उपाधार अंक कितना होगा, 2, ठीक है। जैसे मैंने कहा 552, तो 552 का उपाधार कितना, 500, उपाधार अंक कितना हो जाएगा, 5, और विचलन कितना हो जाएगा, +52, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम आधार और उपाधार। अब देखो इसको गुणा करेंगे निखिलम विधि से। तो कैसे करेंगे, देखो 102 को लिख दो पहले, तो फिर लिख दो 105 को। अब इनके सामने इनका विचलन लिख दो, इसका विचलन कितना है, +02। +02 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इनका जो आधार है वो कितना है, 100 है, तो 100 में कितनी जीरो है, 2, तो विचलन भी 2 अंक का आएगा, ठीक है। इसका विचलन आएगा +05। अब एक लाइन खींच दो ऐसे। अब इसके दो पार्ट बना लो, ठीक है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर। तो इस पार्ट में क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट में या तो इन दोनों को जोड़ दो या फिर इन दोनों को जोड़ दो, किन्हीं को भी जोड़ दो, मान एक ही आएगा। 102 में 5 जोड़ेंगे तो भी 107 आएगा, 105 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा, 107 आएगा। तो मैंने मान लिया इन दोनों जोड़ दिया है, 102 +05। और इस पार्ट में क्या करना है, इन दोनों का गुणा, यानी कि प्लस का 02 गुणा प्लस के 05, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 107। अब देखो ये प्लस के 02 मतलब 2 है, ये प्लस के 05 मतलब 5 है, तो 2 गुणा 5 कितना होता है, 10, ठीक है। अब देखो एक बात विशेष याद रखना, ये उत्तर आ जाएगा हमारा 107 10, मतलब 10710 उत्तर आएगा इन दोनों को गुणा करने पर। एक बात विशेष याद रखना, देखो इनका आधार कितना है, 100, तो ये दूसरा जो भाग है ना, इसमें 2 अंक की संख्या आ सकती है, इसके आधार में 2 जीरो है ना, तो दूसरे भाग में 2 अंक की संख्या आ सकती है। मान लिया जाए यहाँ पे 12 होता और यहाँ भी मान लो 12 होता,
तो 12 गुणा 12 करते हैं तो कितने आते हैं, 144 आते आते। लेकिन यहाँ पे हम कितने अंक की संख्या ले सकते हैं, केवल 2 अंक की संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते, 44 को रखते और इस एक को इस भाग में भेज देते। तो एक इधर आता ना तो 107 में एक जुड़ जाता तो कितना हो जाता, 108। ऐसे याद रखेंगे हम, ठीक है। अब इसको देखो, अब 588 गुणा 512, देखो ये इसका आधार नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, उपाधार। मैंने कहा था ना जो आधार उसका निकलता है जो या तो 10 के आसपास हो, ये ऊपर या नीचे, या 100 के ऊपर या नीचे हो, एकदम क्लोज, और ये 1000 के आसपास हो, लेकिन ये तो 100 और 1000 के बीच में है, तो इनका क्या निकलेगा बताओ, उपाधार। उपाधार कितना निकल गया, 500, और उपाधार अंक ये निकलेगा 5। तो उपाधार अंक कितना हो गया, 5। तो देखो कैसे करेंगे इसको, पहले तो लिख लो इनको, 588 512, इसका विचलन आ गया प्लस के 88 और इसका विचलन आ गया प्लस के 12। तो मैंने कहा था दो भागों में बांट लो ऐसे, तो सबसे पहले तो इनको जोड़ लो, या तो इसको जोड़ लो या इसको जोड़ लो। तो मैंने लिख दिया 588 प्लस 12, इस भाग में इन दोनों को गुणा करते हैं, ठीक है, 88 प्लस के 88 गुणा प्लस के 12। ये काम हम किस में करते थे, आधार से करते थे जब, लेकिन यहाँ पे किससे कर रहे हैं हम, उपाधार से। तो उपाधार में थोड़ा सा चेंज है, इन दोनों को तो गुणा करते ही करते हैं, और जो इनको हमने जोड़ा है, इनको हमको गुणा और करना होता है, किससे गुणा करना होता है, उपाधार अंक से। तो उपाधार अंक कितना है बताऊं, 5। तो उपाधार अंक 5 से गुणा कर देंगे तो देखो क्या आएगा, ये कितना हो गया, पूरा पूरा हो गया 600, है ना, और 600 को गुणा करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 3000, ठीक है। ये कितना हो गया 600, 600 गुणा 5 कितना आ गया, 3000। इधर गुणा करो 88 गुणा 12, तो 12 अट्ठे 96 का 6 का हासिल 9, 12 अट्ठे 96 और 9 होते हैं 105, 105। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि उपाधार अंक में, उपाधार में सॉरी, उपाधार में जितनी जीरो होती है ना उतने ही अंक यहाँ पे रखे जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 अंक रखे जाएंगे, कौन से, 56। बाकी ये 10 है ना, ये 10 ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3010, 10 जुड़ जाएगा ना, और ये कितना बच गया, 56। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। ऐसे करेंगे हम सूत्र निकलम से गुणा। तो कैसा लगा दोस्तों ये जानकारी, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा हो तो वो भी लिखना, और यदि आपको पसंद आया हो, रोचक जानकारी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले अंक में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।